हेलो नमस्कार एवरीवन आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल्स ठीक है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों जो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल होता क्या है तो शायद हम लोगों को नहीं पता क्योंकि बचपन से ना हमें यह पढ़ाया गया कि जो आर्टिकल होता है वो दो प्रकार का होता है डेफिनेट डेफिनेटिट लगभग टीचर यहीं से शुरू करते हैं पढ़ाना लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि आर्टिकल होता क्या है अगर हमें यह पता चल जाए कि आर्टिकल होता क्या है इसको लगाते क्यों हैं तो हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि ए क्यों लगाऊं एन क्यों लगाऊं या फिर दा क्यों लगाएं हम लोग तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि आर्टिकल होता क्या है देखो दोस्तों जो आर्टिकल है वो निकले हैं डिटर्मिनर में से आर्टिकल कहां से निकले हैं दोस्तों डिटर्मिनर में से ठीक है जी और जो डिटर्मिनर है ये निकले हैं एडजेक्टिव में से ये कहां से निकले हैं एडजेक्टिव में से। सेकंड चैप्टर दोस्तों एडजेक्टिव का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है विशेषण एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों विशेषण ठीक है एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है विशेषण विशेषण का मतलब जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो भैया अगर आर्टिकल डिटर्मिनर के बराबर है डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है तो यहां से अपने एक चीज समझ में आई कि जो आर्टिकल होते हैं दोस्तों वो एडजेक्टिव ही होते हैं जो हमें ये बताते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो निश्चित है या अनिश्चित है या फिर उसके संख्या का बोध कराते हैं बात समझ में आई जो आर्टिकल होते हैं जो आर्टिकल होते हैं वो एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है जो हमें ये बताएगा कि कोई भी जो नाउन है जिसके बारे में वो आया है वो निश्चित है या अनिश्चित है या फिर आप कह सकते हो कि वो उसको संख्या के बारे में बताएगा कि एक है या एक से अधिक है बात आई आपको नोट करो फटाफट इसके नोट्स आज डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर ठीक है तो दोस्तों यहां से अब आगे बढ़े तो इससे एक चीज बात समझ में आई कि भाई आर्टिकल विशेषता तो तब बताएगा ना जब नाउन होगा तो यहां से जो पॉइंट निकल के आया काम का वो ये निकल के आया कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन यानी आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के लिए करते हैं कैसे दोस्तों अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा राम इज अ गुड तो दोस्तों ये वाक्य सही है या गलत है ये अधूरा वाक्य है इसकी हिंदी करके देखो राम एक अच्छा क्या नहीं पता भाई गलत इसलिए हुआ क्योंकि सर आपने यहाँ पे आर्टिकल तो लगा दिया लेकिन नाउन तो है ही नहीं भाई गुड तो एडजेक्टिव है ना विशेषता बता रहा है ना अच्छा बुरा तो अगर यहाँ पे मैं नाउन लगा दू दोस्तों क्या अब ये सही बन गया बिल्कुल बन गया जी राम एक अच्छा लड़का है ठीक है जी लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं राम इज गुड तो ये सही है गलत है ये सही है राम अच्छा है अब यहाँ पे सही क्यों हुआ भाई ना तो मैंने नाउन लगाया तो ना ही मैंने आर्टिकल लगाया बोलो बात समझ में आई तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो आर्टिकल होता है वो किसके लिए आता है ना के लिए आता है ठीक है आगे बढ़े क्या तक समझ में आ गई सारी बातें दोस्तों जो आर्टिकल ए और एन है जो आर्टिकल ए और एन है यह निकला है वन में से आर्टिकल ए और एन कहां से निकला है दोस्तों वन में से निकला है दोस्तों वन का मतलब वन का मतलब एक यानी जो मतलब वन का होता है वही मतलब ए और एन का होता है क्योंकि ए और एन कहां से निकला है दोस्तों वन में से निकला है अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखू आई हैव वन कार तो दोस्तों मैं वन के स्थान पर ए लिख सकता हूँ आई हैव अ कार क्योंकि आ कार का मतलब क्या होता है एक कार को डाउट है इसी प्रकार जो आर्टिकल द होता है वो निकला है दिस और दैट में से आर्टिकल कहां निकले दिस और दैट में से दोस्तों दिस का मतलब और दैट का मतलब वह जो मतलब दिस और दैट का होता है वही मतलब दा का होता है अगर मैं ऐसे लिखूं क्लोज दैट डोर उस दरवाजे को बंद कर दो तो दोस्तों मैं इसके स्थान पर और क्या लिख सकता हूं क्लोज द डोर क्लोज द क्योंकि जो मतलब दिस या दैट का होता है वही मतलब द का होता है बोलो कोई डाउट है क्या अच्छे से बात समझ आ गई तो ए और एन का मतलब वन और द का मतलब दिस और दैट क्लियर आगे बढ़े हम लोग बोलो यार यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर मैं नाउन की बात करूं अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो मुख्य रूप से जो नाउन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से नाउन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है एक होता है कॉमन नाउन जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक वाचक संज्ञा और एक होता है प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्ति वाचक संज्ञा ठीक है जी जैसे जो लड़का है वो पूरी जाति है जो गर्ल है वो पूरी जाति है जो फूल है वो पूरी जाति है राम कोई विशेष व्यक्ति है राधा कोई विशेष व्यक्ति है रोज कोई विशेष फूल है ठीक है जी नो डाउट अब दोस्तों हमें एक चीज पता है कि जो आर्टिकल होता है वो तो नाउन के लिए आता है और नाउन की अवस्थाएं मुख्य रूप से दो है यही कारण है कि जो आर्टिकल होता है वो दो प्रकार का होता है आर्टिकल दो प्रकार का क्यों होता है समझ में आ गया आर्टिकल दो प्रकार का होता है एक तो होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल एक तो होता है दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल में तो आता है दोस्तों हमारा ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल में आता है डेफिनेट में क्या आता है द इनडेफिनेट का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम अनिश्चित हैं जिसके बारे में हम क्या हैं अनिश्चित हैं और डेफिनेट का मतलब है दोस्तों जिसके बारे में हम निश्चित हैं बोलो बात समझ में आ गई तो जब हम कोई सामान्य बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम शोर नहीं है कि वो कोई भी हो सकता है तो तो हम वहाँ लगाएंगे ए और एन और जब हम किसी निश्चित चीज़ की बात करते हैं यानी जब हम किसी खास चीज की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे ता लगाएंगे नोट करिए जी फटाफट जी लिख लिया आप लोगों ने आगे बढ़े चलो जी अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझे जैसे एक से दिखाता हूं आपको मैं अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ जैसे क्लास की अगर मैं बात कि मैं लिखता हूं बॉय हैज gone और अगर मैं इसी में लिख दूं दू boy हैज gone अब देखिए दोस्तों ये जो दोनों वाक्य है ना इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें तो सेम ही है बस फर्क क्या है वहां पे आ रखा है और यहाँ पे क्या रखा है द रखा रख है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों अगर आप मेरे को यूं बोल रहे हो कि सर आप boy हैज़ गोन इसका मतलब कोई एक लड़का चला गया अब वो एक लड़का कौन को है कौन है कोई भी हो सकता है आप शोर नहीं है आप अनिश्चित के बारे में बात कर रहे हैं बस आप इतना कहना चाहते हैं कि क्लास में से एक लड़का चला गया लेकिन जब आप बोल रहे हैं द बॉय हैज दस इसका मतलब यह है कि आप किसी निश्चित लड़के की बात कर रहे हैं किसी खास लड़के की बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं बोलो को डाउट है अच्छे से बात समझ में आ गई चलिए अच्छी सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तो दोस्तों जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो क्या होता है ए और एन होता है अब हमें बचपन से ये चीज का रट्टा मरवाया कि यहाँ ए लगा दो यहां एन लगा दो पर क्यों लगा दे ये हमें नहीं पता क्योंकि हमें कभी यह नहीं बताया गया कि ए का मतलब क्या है या फिर एन का मतलब क्या है तो इंग्लिश में हम कहीं पे भी ए या एन क्यों लगाते हैं क्योंकि अभी उसका पहले मतलब पता होना चाहिए मुख्य रूप से तीन मतलब होते हैं ए और एन के मुख्य रूप से कितने मतलब हैं? तीन मतलब होते हैं ए और एन का दोस्तों पहला मतलब तो होता है एक ए और एन का दूसरा मतलब होता है बहुत में से कोई एक और ए और एन का तीसरा मतलब होता है सब या सभी यानी जब भी हमें पूरी जाति का बोध कराना हो तो हम वहां पे ए और एन लगा सकते हैं ठीक है ए और एन का पहला मतलब एक एओर एन का दूसरा मतलब बहुत में से कोई एक और एओन का तीसरा मतलब सब या फिर सभी जब हमें पूरी जाति का बहुत कराना हो नोट करो पहले फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े दोस्तों आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ये अगर मैं लिखू राम इज एन इंजीनियर इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों राम एक इंजीनियर है ही हैज आ डोटर इसका क्या मतलब हुआ उसके एक बेटी है आई मेट met... हाँ जी तो बोल रहे है क्या क्या बोल रहे हो आप हाँ उसकी एक बेटी है बेटी तो लड़के भी हो सकती है I met a doctor yesterday. मैं कल एक डॉक्टर से मिला डॉक्टर तो बहुत सारे हैं मैं बहुत में से किसी एक डॉक्टर से मिल रहा हूं ऐसे देखो सभी सभी का a cow is a फोर फुटेड एनिमल इसका मतलब क्या हुआ सभी गायें चार पैरों वाली होती है अगाव, अगाव फोर animal का मतलब सभी गायें चार पैरों वाली होती है ठीक है और क्या लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा अकाउ मिल्क देखो जाति को दिखा रहे हैं ना गाय की पूरी है ना आ, मैं लिखूं डोग यूजली बार्क्स एट स्टेंजर एट स्ट्रेंजर मैं लिखू अट्री बियर्स फ्रूट तो दोस्तों यहां पर क्या किया मैंने अकाओ अडोग अट्री ये पूरी जाति को दिखा रहे हैं ये पूरी जाति को दिखा रहा है नोट कर लीजिए करिए जी नोट तो पानी आ के बड़े दोस्तों आगे समझ में आप लोगों के तो अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई जो मतलब ए का है वही मतलब एन का है तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ है ना जो मतलब ए का है वही मतलब एन का है तो दोनों में फर्क क्या हुआ तो इसके लिए अभी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन क्या फर्क होता है दोस्तों ए और एन में बताइए ए और एन में क्या फर्क होता है हमें बचपन में पढ़ाया गया हमें बचपन में एक चीज पढ़ाई गई कि इंग्लिश में वोवल लेटर होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं वोवल कौन से कौन से ये वाले पांच और जो बच गए इक्कीस वो क्या होते हैं तो वो हमें पढ़ा के गए स्कूल वाले कि वोवल लेटर से पहले एन लगा देना और कौनस से पहले ए लगा देना ऐसा हमें पढ़ाया गया हाँ जी तो दोस्तों यहां मैंने लिखा यूनिक यहां मैंने लिखा एम एल ए तो देखा जाए तो यू क्या है वोवल है तो एन लगा दिया ए क्या है कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दिया ये क्या है पूरा का पूरा गलत क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश में हम कभी भी किसी लेटर को वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं कहते जैसे अपने को स्कूल में पढ़ाया गया था जो वोवल या कॉन्सोनेंट होता है वो तो साउंड होती है इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो नहीं होते वोवल कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है उसको हम कह सकते हैं कि वोवल साउंड है और कंसोनेंट साउंड है तो जो साउंड होती है उसको हम कह सकते हैं कि एक होती है वोवल साउंड और एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड दोस्तों जो वोवल साउंड होते हैं इंग्लिश में वो पांच नहीं होती वो बीस होती है और जो कंसोनेंट साउंड होती है वो इक्कीस नहीं होती वो चौबीस होती है तो टोटल साउंड जो इंग्लिश में होती है वो कितनी होती है फोर्टी फोर साउंड होती है वोवल साउंड से पहले एन लगाना होता है और कॉन्सनेंट साउंड से पहले नोट करिए देख लिया जी कोई डाउट है यहाँ तक तो इसका मतलब हमें 20 पहले वोवेल साउंड याद करनी पड़ेगी और फिर अपने को 24 कंसोनेंट साउंड याद करनी पड़ेगी तभी तो बता पाएंगे ना कि ए आएगा ए ना आएगा लेकिन हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है आप बिल्कुल देसी जुगाड़ लगाओ देसी जुगाड़ क्या लगाना है एक होता है हिंदी में स्वर और एक होता है व्यंजन दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कोई भी वर्ड दे रखा है या तो आप उसको लिख के देख लो हिंदी में या फिर आप उसको हिंदी में बोल के देख लो अगर बोलने पर या लिखने पर पहला अक्षर हिंदी का स्वर आता है तो आप उससे पहले दोस्तों एन लगा देना और अगर बोलने पर पहला अक्षर पहली ध्वनि हिंदी की व्यंजन आती है तो आप उससे पहले ए लगा देना स्वर कौन से कौन से होते हैं दोस्तों ये स्वर है है ना ये सारे स्वर हैं लेकिन दोस्तों आप लोग हिंदी में पढ़ा पड़, होगा आपने फिर पढ़ोगे कभी भी उच्चारण के आधार पर बोलने के आधार पर री को स्वर में काउंट नहीं करते ये सीटी के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन बेसिक था क्वेश्चन कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर री को हिंदी में स्वर में काउंट नहीं करते तो अगर इनकी आवाज आए तो आप समझ जाना कि एन आएगा इनके अलावा किसी भी अक्षर की आवाज आए तो आप समझ जाना ये आएगा नोट करिए शीफ आगे बढ़े दोस्तों यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई अच्छे से चलिए जी दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं फटाफट इनसे पहले ए और एन लगाओ जी इनसे पहले ए और एन फटाफट लगा के देखो कर दोस्तों आप लोगों ने फटाफट करिए फटाफट EWE EWE कर लिए सारे फटाफट फटाफट करिए नोट फटाफट हू नोट आप लोगों ने फटाफट फटाफट करिए चलो सोल्व करें जी आओ डॉक्टर में पहली आवाज किसकी आ रही है डे की डे स्वर है व्यंजन क्या आएगा इंजीनियर में पहली आवाज ई की स्वर या व्यंजन स्वर टीचर में पहली आवाज टै की तय टेक क्या है व्यंजन वन में पहली आवाज व क्या है व्यंजन यूनिक में पहली आवाज यह ये, ये क्या है व्यंजन यूनिवर्सिटी में पहली आवाज यह ये, ये क्या है व्यंजन यूरोपियन में पहली आवाज यह ये, ये क्या है व्यंजन फिर यह क्या है आवर आर आ की में आ मतलब स्वर ये है ओनर ओ क्या है स्वर फिर क्या है एक्सपेंसिव ए क्या है स्वर ठीक है जी आगे बढ़े इसको बोलते हैं यू फीमेल शिप को बोला जाता है यू फीमेल शिप मादा भेड़ इसको कहा जाता है यू यह yeah, की आवाज आ रही है तो क्या आएगा ए कहीं पे भी आए दोस्तों यह yeah, होता है वो क्या होता है यूलोजी मतलब प्रशंसा भरा भाषण मतलब नपुंसक ए ए यूटेंसिल

एन, एन, ये क्या होता है दोस्तों क्या होता है ये आवाज आती है पहले ये क्या होता है आयर आयर का मतलब उत्तराधिकारी आके लिए क्या आएगा हायर नहीं होता ये आयर होता है एन बोलिए तो दोस्तों ए और एन में कोई भी डाउट है तो पूछो तभी तो मैंने तो सिखाए हैं यही वही जो एग्जाम में आते हैं हा? यूटेंसिल यूटेंसिल आ, तो है तो यही नहीं यूटेंसिल होता है भाई यूटेंसिल हाँ ई क्या होता है स्वरित तो होता है तो स्वर में यानी तो आएगा चलिए आए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इनडेफिनेट के बाद में जो अगला आर्टिकल है वो क्या है डेफिनाइट आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल यानी दा डेफिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों दा होता है दोस्तों दा का इस्तेमाल जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज की बात करनी है किसी खास चीज की बात करनी होती है किसी विशेष चीज की बात करनी होती है तो हम दा लगाते हैं याद रखना दा का इस्तेमाल तो तभी करेंगे जब हम किसी विशेष चीज की बात करते हैं जैसे देखो द वॉटर इज डर्टी इसका मतलब यहाँ किसी खास पानी की बात हो रही है ना कि यह वाला पानी या फिर वह वाला पानी बेकार है दूषित है तो इसका मतलब खास बन गया पानी तो हमने पहले से पहले क्या लगा दिया दा लगा दिया ठीक है जी अगर किसी वाक्य में कोई नाउन यानी सेम नाउन जब दोबारा आता है अगर किसी वाक्य में जब कोई नाउन दोबारा आता है तो दोस्तों जब वो दूसरी बार आता है उससे पहले डा लगता है जब किसी वाक्य में कोई नाउन दोबारा आता है तो दूसरी बार से पहले दोस्तों वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग डा लगाते हैं कैसे लगाते हैं देखो जी दोस्तों क्या यहाँ पे ये नाउन दो बार आया है दो बार आया है तो हमने दूसरी बार से पहले क्या लगा दिया लगा दिया क्यों लगाया नहीं माना समझो मैं कल एक डॉक्टर से मिला एक डॉक्टर मतलब आ डॉक्टर और उस डॉक्टर ने मुझे सलाह दी किसने मुझे सलाह दी जिससे कल मैं मिला हूं यानी मैं किसी खास डॉक्टर की बात कर रहा हूं जिससे कल मैं मिला हूं उसने मुझे क्या दी है सलाह दी है तो मैंने क्या लगा दिया दा डॉक्टर बोलो दोस्तों कोई डाउट है आगे बढ़ते हैं अगर हमें कभी भी जाति का बोध कराना हो किसी भी जानवर का जाति मतलब क्लास तब भी हम वहां पे यूज करते हैं दा का ए और एन भी करते हैं और दा भी करते हैं जैसे मैंने लिखा था ना आकाउ इज फुटेड एनिमल इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों द इज इज फोर फुटेड एनिमल द लायन इज अ डेंजरस नोट जी Thank <laughs> you. आगे बढ़े दोस्तों तो अब हमें यह समझ में आ गया इस चैप्टर की जो थ्योरी थी बेसिक कि आर्टिकल ए एन क्या होता है आर्टिकल दा क्या होता है डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है अब जो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे पॉइंट्स ऑफ एरर एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं एरर के क्वेश्चन ठीक है जी पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल्स आर्टिकल्स पे आधारित एरर के क्वेश्चन दोस्तों हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्लेसमेंट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ यानी वाक्य में जहां हम दा का प्रयोग करेंगे उसका क्या क्या मतलब होता है वो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर पहला पॉइंट है अगर किसी वाक्य में ऑफ द टू आता है तो उस वाक्य के अंदर सीडी से पहले द आता है अगर किसी वाक्य में ऑफ द टू आता है तो उस वाक्य में सीडी से पहले द आता है सीडी का मतलब है कंपेटिव डिग्री मैं बता देता हूं एक बार आपको देखो एक होती है पॉजिटिव डिग्री एक होती है कंपेटिव डिग्री एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा डिटेल में पी डी का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री सी डी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री और एस डी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों सीडी की पहचानी होती है कि उसकी आखिरी में जनरली आर मिलता है जैसे लॉन्गर, बेटर, शोर्टर स्मार्टर और एस की पहचानी होती है कि उसके आखिरी में जनरली एस मिलता है लोंगेस्ट टोलेस्ट स्मार्टेस्ट शोटेस्ट सी के अंदर मोर आता है और एस के अंदर मोस्ट आता है एस के अंदर मोस्ट आता है तो मैंने क्या बोला कि जिस भी वाक्य में ऑफ द टू आएगा वहां पे सीडी से पहले क्या आएगा दोस्तों द आएगा आइए आए एग्जांपल देखते हैं दिस इज द बेटर ऑफ द टू ऑफ दू कैपिटल्स डेली इज द बेटर अब देखिए दोस्तों यहां पर बेटर क्या है कंपेटिव डिग्री बेटर क्या है कंपेटिव डिग्री क्या यहाँ पे ऑफ द टूर ऑफ द टू आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया नोट कर लीजिए फटाफट नोट करो जी आगे बढ़े दोस्तों करिए नोट फटाफट करिए चलिए जी इसी में ही दूसरा पॉइंट अगर कहीं पे पैरेलल स्ट्रक्चर का यूज होता है पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज बोलते हैं इसको क्या होता है पैरेलल स्ट्रक्चर देखो अगर कहीं पे पैरल स्ट्रक्चर दे रखा है पैरल स्ट्रक्चर का मतलब दा प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दा प्लस सीडी प्लस सब्जेक्ट प्लस यानी देखो इसमें दो, वाक, दो जो वाक्यांश होगा वो पैरल होंगे अगर एक में कुछ बढ़ेगा तो इधर भी कुछ बढ़ेगा इधर कुछ घटेगा तो इधर भी कुछ घटेगा दोनों तरफ सी डी मिलेंगी और दोनों सी डी से पहले क्या आएगा दोस्तों द आएगा एग्जाम्पल देखिए हायर यू गो कूलर यू फील यानी जितना ऊपर जाओगे उतनी ही ठंडक महसूस होगी तो दोस्तों हाइयर क्या है सी डी दा लगा दिया कूलर क्या है सी डी दा लगा दिया ठीक है जी दोस्तों बात कोई है तो जब भी किसी वाक्य में पैरली कंपेयर टिव डिग्री होनी uh, सी डी आए तो दोनों सी डी से पहले हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों दा लगाते हैं दोनों सी डी से पहले हम लोग क्या लगाते हैं दा लगाते हैं ठीक है जी अगर कभी भी सुपर लेटिव डिग्री दे रखा हो तो सुपर लेटिव डिग्री से पहले दोस्तों हम लोग हमेशा दा लगाते हैं क्या लगाते हैं जैसे अगर मैं लिखू हरियाणा इज द बेस्ट दोस्तों बेस्ट क्या है सुपर लेटिव डिग्री उससे पहले दा लगा दिया राम इज दिन आवर क्लास तो दोस्तों टोलेस्ट क्या है सुपरलेटी डिग्री उससे पहले हमने दाल लगा दिया ठीक है जी दोस्तों आज कल इतना काफी है बाकी पॉइंट सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में नोट कर लीजिए चलिए जी